तो भाई कैसा रहा आज का ट्रेड, कमेंट में आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो ट्रेड हम लोग का यहाँ पर लॉस में गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेलीग्राम पर मैंने अपडेट किया था। पहला ट्रेड यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला था, इसमें हमारा बहुत छोटा सा एसएल गया था 12 पॉइंट का। फिर दूसरा ट्रेड लिया था हम लोगों ने, ठीक है, इसमें हमें मिल रहा था, ठीक है, 1:4 मिल रहा था पहले ट्रेड में ही, लेकिन हमने बुक नहीं किया। अराउंड यहाँ पर 56 पॉइंट कैच हो रहा था, बट हमने नहीं लिया था। ठीक है, अगर चाहते तो यहाँ पर भी प्रॉफिट कर लेते हम लोग पहला ट्रेड, तो यहाँ पर हमने लॉस दिया 12 पॉइंट का। सेकंड ट्रेड में हमारा लॉस हुआ यहाँ पर 21 पॉइंट का। ठीक है, टोटल हम लोग का यहाँ पर 33 पॉइंट का लॉस हुआ। तीसरा ट्रेड तो आप लोग देख रहे हैं कितना बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पर हमने, देखिए ये वन वी मोमेंटम मारा था कितना, 151 पॉइंट के आसपास, और हमने यहाँ पर 145 पॉइंट कैच कर लिया था। ठीक है, उसके बाद तो देखिए भाई क्या क्या, अरे बड़ा लालच लग रहा है भाई साहब देखते हुए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना बेहतरीन मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का था। ठीक है, ये अराउंड देखिए 583 पॉइंट। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर 583 पॉइंट दे, अगर आप इसको देखते हुए 583 पर लॉट पे के हिसाब से भी देखेंगे 8,745 रुपये बनता, ठीक है, एक लॉट पे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना कैच किया था यहाँ पर 145 पॉइंट। ठीक है, टोटल यहाँ पर कैच किया, अगर यहाँ पर 145 पॉइंट को भी देखते हैं 145 माइनस 33, क्योंकि 33 पॉइंट हमने लॉस लिया था दोनों ट्रेड मिला के, तो 112 पॉइंट फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर कैच किया। तो आप लोगों को पता ही है हमारा जो 30 डेज का चैलेंज रहा 30 क्वांटिटी का, उस हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये मोमेंटम काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 15 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगाया है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था। ठीक है, यहाँ पर इतना ज़्यादा साइडवेज था, उसके बाद मार्केट जब अपने रेंज से निकला तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम किया। ठीक है, इसको आप पूरा ही मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 2:15 के बाद ही मार्केट में मोमेंटम होना शुरू हुआ। उसके पहले पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, एक छोटा सा यहाँ पर ये हुआ था 150 पॉइंट का। ठीक है, ये की कैंडल ये वाली 15 मिनट में बनी थी, इसमें हुआ था, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज था, ये वाला मोमेंटम फिर जाके मिला काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम। ओके, ये वाला, ठीक है, अराउंड 600 प्लस पॉइंट का ये वाला मोमेंटम था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर अपना बना लिया था पोजीशन, बट आज ये एक दिन भर हम लोगों ने वेट ही किया है, दिन भर वेट किया है, बट वेट करने का पूरा पूरा फल मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1:30 वेट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ छोटा सा 12 पॉइंट वाला जो मैं बता रहा था, एक सी साइड भी ट्रेड लिया था, वहाँ पर भी लॉस ही बुक किया हम लोगों ने। ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं कई बार ये स्ट्रेटजी आप लोगों को समझा चुका हूँ, यहाँ पर सिंपल सी स्ट्रेटजी आज की भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भी इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पर मार्केट टच, यहाँ पर मार्केट टच, तीसरा टच डाउन कॉल थ्रू। ओके, ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये स्ट्रेटजी अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी मैं फास्ट में बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पर लिया गया। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बेहतरीन आपको मिल जाएगा ऐसे भी स्ट्रेटजी। ठीक है, आज ये मोमेंटम हुआ है, और साथ में देखिए यहाँ पर आपका एक मदद इतने किया, हेल्प किया किसने, ये रेंज बना के मार्केट निकला। ठीक है, आज को मोमेंटम में जो हेल्प मिली जाता है ये रेंज बना के निकली है, तो जाके ये बड़ा मोमेंटम हुआ। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट आता थोड़ा सा कम यहाँ पर जाना था, लेकिन यहाँ पर अपर साइड के लिए मार्केट नहीं था। ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक का एक मैंने स्कैल्पिंग लिया था दूसरे अकाउंट पर अपने। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे ही पहली कैंडल आई थी यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाइंग कर ली थी, और यहाँ पर मैंने एसएल लगाया था। ठीक है, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर एसएल, एंड देन यहाँ पर घुमा था, मैं यहीं पर एग्जिट हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक आ रहा था ऊपर से ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, इस हिसाब से यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया था। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं मिला, बट यहाँ पर हमने फिर भी कैच कर लिया था। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 50 पॉइंट का ही यहाँ पर कैच हुआ था, तो स्कैल्पिंग टाइप का ही ट्रेंड था, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नहीं था। ओके, सो आज का ट्रेड कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आज आप लोगों ने कितना प्रॉफिट किया, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।